ओके सो हे गाइस, वाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, वीडियो हमारे यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को गाइस कहीं भी बैठ के ऐसे पोज में आपको पहले फोटो को क्लिक करवा लेना है। देन उसके बाद आप सभी को गाइस जिसका जो बैकग्राउंड है उसको इरेज करना है। तो उसको इरेज करने के लिए ले जाएंगे हम इसको ड्रॉ टूल में। एंड यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे ब्रश के जो सेटिंग रखेंगे, हार्डनेस को रखेंगे 90 तक, एंड जो उसकी साइज़ होगी वो अपने अकॉर्डिंग रख लेना गाइस आप। एंड यहाँ पे हम गाइस इसको हम फटाफट से इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे तो मैंने गाइस थोड़ी वीडियो को जो है मैंने यहाँ पे फास्ट कर रखा ताकि यार आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एंड अगर आपको एकदम प्रॉपर एंड स्लो वीडियो देखनी है तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप तीनों में से कोई भी वीडियो को वॉच कर लेना। आपको इजीली समझ आ जाएगा कि आपको बैकग्राउंड का एक्चुअल कैसे इरेज करना है, ठीक है। तो वीडियो को जाके वॉच करना एंड काफ़ी हेल्प मिलेगी आप सभी को। बट यहाँ पे मैं इसको फटाफट से इरेज कर लेता हूँ एंड आप सभी को बताता हूँ आगे क्या करना है। एंड गाइस, जब ये फटाफट से इरेज हो जाएगा तो उसके बाद जो मतलब आपको बैकग्राउंड में अपने मॉडल को ऐड कैसे करना है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। अब गाइस देखिए, आप सभी को यहाँ पर इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को जो अभी हमने मॉडल का कटआउट किया था अभी हम उसको ले लेंगे यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है मॉडल को आपको कुछ इस टाइप से साइज़ को बढ़ाकर रखना है, ठीक है। एंड मतलब कि देख लेना, क्योंकि यार जो लड़के से जो लड़कों की हाइट होती है वो बड़ी होती है, तो आप उसके हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। अगर आपकी हाइट भी बड़ी हो तो आप कुछ इस टाइप से अपने हाइट को कुछ इस टाइप से ऐसे रख सकते हो, ठीक है। बट गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि इसको इरेज भी करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसके यहाँ पे जो है ओपेसिटी जो है फोटो की हम कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब इसके ओपेसिटी हम कम कर लेते हैं। एंड उसके बाद इरेजर टूल में जाएंगे, इरेजर पर क्लिक करेंगे, इसके हार्डनेस को फुल करेंगे एंड फोटो को जूम करेंगे। एंड गाइस उसके बाद हम यहाँ से साइड साइड से ऐसे इरेज कर लेंगे, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आप सबको ध्यान से करना है इरेज, ठीक है। कहीं का कोई एरिया रह ना जाए एंड कहीं का एक्स्ट्रा इरेज ना हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा अच्छा से यहाँ पे पूरा प्रॉपर इरेज कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आप सबको यहाँ पे सिंपली डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके एंड इसकी ओपेसिटी का फुल कर लेना है। एंड यहाँ पे आप सबको यहाँ पे कर देना है डन। अब गाइस यहाँ पे आपको बारी आती है आपको शेडो बनाने की। तो शेडो कैसे बनानी है, आपको जाना है ऐड फोटो में एंड आपको गाइस ये ब्लैक कलर का ही पीएनजी मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जहाँ पे शेडो बनानी है गाइस पहले आपको उसको वहाँ पे रखना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है, हार्डनेस एंड ओपेसिटी को आपको कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाना जूम करना है फोटो को एंड यहाँ पर ब्रश का साइज़ को अपने हिसाब से रख लेना। एंड उसके बाद जहाँ जहाँ आपको शेडो चाहिए आपको कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट कर देना है उस जगह पर, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या करना है, अभी हम यहाँ पर कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे करते हैं डन। एंड गाइस इसकी जो ओपेसिटी होगी उसको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपसे यहाँ पे कर देना है डन। फिर गाइस आपसे को फिर क्या करना, आपसे को जाना ऐड फोटो में एंड वापस से उसी पीएनजी को ले लेना है। एंड अभी हम यहाँ पे हैंड के पास यहाँ पे शेडो बनानी है, तो उसके लिए करेंगे पहले यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। इरेजर टूल में जाएंगे, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश को लेंगे, ओपेसिटी से एंड हार्डनेस कम कर देंगे एंड फोटो साइज़ को अपने हिसाब से रख लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसको अच्छे से पेंट करेंगे, ठीक है। एंड गाइस हर जगह पे एक से ज़्यादा बारी पेंट मत करना, नहीं तो यार शेडो डार्क हो जाएगी तो यार फोटो मतलब नकली सी लगेगी। तो एक से ज़्यादा बार पेंट मत करना। फिर उसके यहाँ पे हम इतना कर देने के बाद यहाँ पे कर देंगे डन। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को एक पीएनजी का दे दूंगा मैं, आपको उसको यूज़ करना है। तो उसको आपको क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है एंड ऑटोमेटिकली कुछ स्टेप से ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डन। अब गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को इसमें थोड़ा सा कलर को जो है मैच कराना है फेस के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे टूल्स में, फिर जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आपको सेचुरेशन वाले ऑप्शन में जाना है एंड उसका गाइस आपको सेचुरेशन जो है आपको रखना है -8 तक, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना है डन। अब गाइस आप सभी को अपनी इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि जो भी रिटचिंग होगी हमारी वो लाइट रूम ऐप में ही होगी एंड वहाँ पे ऐसे रिजल्ट आएगा फोटो का, ठीक है। अब क्या करना है गाइस, आप सभी को जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में एंड लाइट वाले ऑप्शन में जाने को इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट जो है गाइस इसको कम कर देना है, शेडो जो इसको इंक्रीज़ कर देना है एंड गाइस जो इसका वाइट इसको बढ़ा देना है एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चल जाना है आपको कलर्स मिक्स में, सॉरी कलर्स वाले ऑप्शन में, इसका वाइब्रेशन सैचुरेशन एंड वाइब्रेशन को बढ़ा देना है एंड उसका टेम्परेचर कम कर देना है। फिर चले जाना आपको मिक्स टूल में, ओरिजिनल को सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड उसके बाद ल्यूमिनस बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको फिर क्या करना, आपको जाना येलो कलर में इसका ह्यू माइनस कर देना है, सैचुरेशन ल्यूमिनस को बढ़ा देना है एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है ऐसे डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है इसको डन। अब गाइस आपसे कुछ चले जाना है कलर्स के नीचे वाले टूल में एंड जो फोटो की क्लियरिटी है गाइस आपको उसको बढ़ा देना है एंड जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको एक ग्रेन अमाउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है एंड चले जाना है इसके नीचे वाले टूल में। फोटो की जो गाइस शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है एंड जो गाइस नोड रिडक्शन होगी आपको उसको बढ़ा देना है एंड नीचे आपको कलर नोड रिडक्शन मिल जाएगा, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने, तो गाइस आशा करता है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.